पंजाब सरकार द्वारा SYL मुद्दे का जब बैठक अमित शाह के साथ, जो कि गृह मंत्री भारत सरकार हैं, उनके साथ हुई, तो SYL का जो पानी हरियाणा का हक का था उसको देने से साफ इनकार कर दिया। उसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं, हुडल से विधायक हैं और हरियाणा भूमि सुधार आयोग के चेयरमैन हैं, उनसे हम बात करते हैं कि सर किस तरह आप मानते हैं कि SYL का जो पानी था उनके हक का, हरियाणा के हक का पानी देने से पंजाब सरकार ने मना किया, किस तरह की उनकी ये सोच मानते हैं? ये उनकी ओछी मानसिकता है पंजाब सरकार की, और मैं पंजाब सरकार का नहीं, मैं केजरीवाल जी के लिए कहूँगा। केजरीवाल जी की ओछी सोच है जो हमारे हरियाणा के पानी को रोकने का काम कर रहे हैं। SYL नहर हमारे आदरणीय पुराने नेताओं ने इसका निर्माण किया था, और आज उस निर्माण को करने में जो रुकावट डाल रहे हैं केजरीवाल जी डाल रहे हैं। केजरीवाल जी हरियाणा की जनता के साथ सरासर धोखा कर रहे हैं, ये उनको भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। केजरीवाल जी एक राजनीतिक पार्टी को चला रहे हैं, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, और हमारी सरकार SYL लेकर रहेगी। केजरीवाल जी के कहने से SYL नहीं रुकेगी। भारत सरकार जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज हम अपनी सरकार के दम पर SYL नहर लोगों को समर्पित करने का काम करेंगे। और जहां तक इनका सवाल है, केजरीवाल जी की जो सोच है, ये पानी व्यर्थ में पाकिस्तान को जा रहा है। केजरीवाल जी पाकिस्तान सोच के व्यक्ति हैं, वो पाकिस्तान को लाभ देना चाहते हैं, वो हरियाणा की जनता को लाभ पहुंचाना नहीं चाहते। इसलिए मैं इस केजरीवाल जी के इस फैसले की निंदा करूंगा। केजरीवाल जी का या उनके मुख्यमंत्री का जो बयान है पंजाब के मुख्यमंत्री का, वो गलत है, हरियाणा के लोगों के साथ अन्याय है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि जिस तरह वहाँ पर पंजाब के नेताओं में भी कहीं ना कहीं अब पंजाब के जो मनजिंदर सिंह मजीठा हैं, उनका साफ कहना है कि हरियाणा का पानी उनको मिलना चाहिए, तो इस तरह की जो बयानबाजी वहाँ से शुरू हो चुकी है, तो पंजाब में से अब नेता वहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इससे कितना फर्क पंजाब सरकार पर पड़ेगा? पंजाब सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार नहीं है। ये ऐसे मैंने बहुत रुतबा देखे, बहुत समय देखा, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। पंजाब सरकार लोगों के हित की सरकार नहीं है। ये तो एक विरोध पैदा हुआ था लोगों में, और उस विरोध के तहत इस इनका मौका मिल गया इनको, और आज ये सरकार लोगों के हित का कार्य नहीं कर रही है। और SYL नहर के लिए आप एक क्वेश्चन मैं आपसे भी करना चाहूँगा, इनको यदि देश से प्यार है तो इनको हरियाणा से प्यार करना चाहिए, पाकिस्तान से प्यार नहीं करना चाहिए। हरियाणा हिंदुस्तान का दिल है, हरियाणा के लिए जो पानी इनको देने से ये इनकार कर रहे हैं और पाकिस्तान को ये पानी व्यर्थ में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो मैं इस चीज़ की निंदा करते हुए ये सलाह देना चाहूँगा केजरीवाल जी को, यदि हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो हरियाणा के पानी रोकने का हिम्मत न करें, हरियाणा का पूरा पानी दें, SYL नहर को खुदवाने का काम करें। अब राजनीतिक अगर हम बात करें तो समीकरणों में अब कांग्रेस के आज जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया, वो आज अपनी लिस्ट जो उन्होंने विधानसभा चुनाव जो कैंडिडेट हैं जिलाध्यक्षों की जो लिस्ट है, वो आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी को दे देंगे, तो क्या लगता है? पहले तो मुझे ये लगता नहीं कि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष की चलती है या बावरिया जी की चलती है या किसकी चलती है। कांग्रेस के सिस्टम का ये पता ही नहीं लग रहा। कांग्रेस 5 साल में, पिछले मैं 15 साल से देख रहा हूँ उनका, 15 साल से अपना संगठन खड़ा नहीं कर पा रहे। आज प्रदेश अध्यक्ष जी जो ना घूम रहे हैं, उदयवान जी के लिए कहना चाहूँगा, आज एक एक सिंगल वन नियुक्ति नहीं कर पाए। आज ये भी जो नियुक्ति हो रही है ऊपर से हो रही है। मैं तो फिर यही कहूँगा कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयवान जी, मेरे सामने चुनाव लड़ते हैं, मुझे खूब पता, ये डम्मी से दो रहे हैं, क्या है इनकी पावर, अपनी पावर दिखाएं। इनको संगठन बनाना चाहिए, अपने संगठन के दम पर चलना चाहिए। इनका कोई संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का घर घर संगठन, गली गली संगठन, बूथ तक संगठन तैयार हो चुका है। हम तो बहुत आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में किस तरह की रणनीति रहने वाली है राजस्थान के लिए और हरियाणा के लिए? आने वाला चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा विकास किया, इतिहास में कभी इतना विकास नहीं हुआ। आप देख लीजिए, बड़े बड़े हाईवे देखिए, आप बॉम्बे हाईवे देखिए, आप KMP KGP देखिए, आप जेवर एयरपोर्ट देखिए, आप बड़ी बड़ी जो योजनाओं पर काम चल रहा है, जैसे आप जम्मू कश्मीर के लिए रोड दिल्ली से निकाल रहे हैं आप, और जो रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं, आप राम मंदिर का निर्माण देखिए, वाराणसी का देखिए, देश की जो सुंदरता है भारतीय जनता पार्टी ने बदलने का काम किया, देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हरियाणा में जो अभूतपूर्व विकास हुआ माननीय मनोहर लाल जी खट्टर साहब के अगुवाई में, ऐसा विकास मैंने कभी नहीं देखा। मैं भी 20 साल पुराना पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, जो तेज गति से विकास आज हुआ है, लोग सारा जानते हैं। हमारे यहाँ होटल में कॉलेज, मैं उस कॉलेज में पढ़ा था,
बहुत जर्जर हालत थी। अब सोचा करते थे कभी ये कॉलेज बनेगा, आज 3 मंजिला कॉलेज बन गया। आज हॉस्पिटल देखिए, हॉस्पिटल आज 3 मंजिला बन गया। आप सती माता सरोवर देखिए, आप होटल के लिए हमने गंदे नाले निकाल के गंदे पानी को बाहर फेंकने का काम किया। 20 करोड़ रुपए के काम होटल में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर आज चल रहे हैं। और टोटल विधानसभा की बात करूं तो हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम चल रहा है। ऐसा विकास मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। एक ईमानदार सरकार, विकास पर काम करने वाली सरकार रही। राजस्थान चुनाव के बाद दावे के साथ बीजेपी राजस्थान में आ रही है, बीजेपी का परचम फहरने जा रहा है। मोदी जी के नाम पर बीजेपी आ रही है, विकास के नाम पर बीजेपी आ रही है। ये ईमानदार नेता है, इनका मुकाबला नहीं है देश में। देखिए, हमारे साथ थे होडल से विधायक हैं जगदीश नायर। उनका साफ कहना है कि सबसे बड़ी बात, उन्होंने नसीहत दी है केजरीवाल को कि वह अगर हिंदुस्तान से प्यार करते हैं तो उनके हक का पानी उन्हें दिलवाएं। वहीं कांग्रेस के ऊपर भी उन्होंने एक बड़ा प्रहार किया है, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, उनको उन्होंने डमी अध्यक्ष कहते हुए कहा है कि जो 15 साल में अपना संगठन तैयार नहीं कर पाए वो किस तरह आगे सरकार बनाने का काम करेंगे। नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल।